नमस्कार मित्रों, ये वीडियो बनाने के पहले ही जस्ट मैंने अभी ये समाचार पढ़ा कि लेह में आर्मी की गाड़ी स्किड हो जाने के कारण 9 जवानों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। तो जो घायल हैं, आशा करती हूँ कि वे जल्द ठीक हो जाएं, और जिनकी मृत्यु हो गई है इस दुर्घटना में, उनकी आत्मा को शांति मिले। इसका कारण क्या है, ये तो जांच का विषय है। हो सकता है क्योंकि पहाड़ों पर जो सड़कें बनाना भी एक मुश्किल काम होता है, और उन पर गाड़ी चलाना कभी कभी ये कठिन हो सकता है। तो हो सकता है कि ये दुर्घटना ही हो या इसके पीछे कुछ और कारण हो। लेकिन एक बात तो है कि यदि हम अपने जवानों को, अपने सैनिकों को ऐसी जगहों पर जब हम पोस्ट करते हैं, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं में हमारे सेना के जवान अपना बहुमूल्य जीवन ना खोएं। आगे बढ़ते हैं और आइए आज मेजर गौरव आर्य और संदीप दीक्षित जी के साथ अपने पड़ोसी के हाल चाल लेते हैं। आपका पड़ोसी जो है वो अंतरिम सरकार बना रहा है, लेकिन वो अंतरिम सरकार जो है वो चल तो पुराने की डर्रे पर ही है। ये आर्मी की ज़्यादा गुलाम है या पहले से जो शहबाज शरीफ की थी उससे कम गुलाम है? सर, पहले तो अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको ये बताता चलूं कि इन सब में होड़ लगी है, कंपटीशन लगी है कि आर्मी का कौन ज़्यादा गुलाम है। सर, इमरान खान भी इस होड़ में था। इमरान खान आर्मी चीफ को कितनी भी गालियाँ देते, पीछे से शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोगों के थ्रू पैगाम भेजता रहता था कि आर्मी चीफ से बोलो मैं आ जाता हूँ घर पे उनके। शहबाज शरीफ ने जाते तो क्या बोला कि 30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, आई एम देयर फेवरेट। ठीक है सर, और ये जो काकड़ बना है, ये जो एंटरम जो पीएम बना है, ये भी आंखों का तारा है। सर, सभी आंखों के तारे ही बैठ पाते हैं उस कुर्सी पर। कभी क्या होता है कि आंख में किरकिरी हो जाती है इमरान खान जैसी, फिर उस तारे को निकालते हैं, दूसरे तारे को सेट करते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज लोग चेंज करते हैं, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर चेंज करते हैं सर, जब जिससे ठीक से देखना शुरू नहीं होता फिर उसको खत्म कर देते हैं। सो आई थिंक दिस न्यू सीएम सर, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आई थिंक दिस न्यू पीएम, आई बेग योर पार्डन, ये भी वही है सर, उसी डर्रे से डला हुआ, वरना पीएम थोड़ा ना बनता अगर आशीर्वाद नहीं होता आर्मी चीफ का। तो सो ही इज दैट। और साथ में उसने यासीन मलिक की बीवी को अपने एडवाइजर बना के कैबिनेट रैंक दे दी। कुछ तो करेंगे ना सर, ये कश्मीर के लिए। देखिए ना, आप इंडिया अगर रोड बना रहा है तो ये एक दो मुजाहिदीन छोड़ेंगे, अगर इंडिया यूनिवर्सिटी बना रहा है तो ये किसी आतंकवादी को तमगा देंगे, अगर इंडिया वहां पे अस्पताल बना रहा है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का प्लान वहां पे चल रहा है, या कुछ जम्मू में आईआईटी आईएम बन रहा है, तो इनको मशाल मलिक को कुछ ना कुछ। देखिए, बात यह है कि इनको भी पता है कि इनकी जनता को क्या चाहिए, और इसमें मैं पाकिस्तानी सरकार को मैं सलूट पेश करूंगा सर, कि दे नो व्हाट देयर पीपल वांट। देयर पीपल वांट जिहाद। इनको अस्पताल नहीं चाहिए, इनको अच्छी नौकरियां नहीं चाहिए, इनको बच्चे कहीं लट पड़ जाए क्वालिफिकेशन में, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई ब्यूरोक्रेट बन जाए, ये सब चक्कर है ही नहीं इनका सर। इनका है कि जिहाद चलना चाहिए, काफिर का खून बहना चाहिए, और जिसने बाया है उसके परिवार वाले को आप कुछ स्टेटस दे दीजिए। कहानी खत्म हो गई फिर आपकी। अब ये बन गया ना हीरो सर पाकिस्तानी कौम की नजरों में, कि भाई मशाल मलिक को इसने देखिए इतनी इज्जत दी है, एक टेररिस्ट को, तो बस हो गया, इसका काम हो गया। हम लोग हैं सर जो बड़े डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉलेज नहीं बना, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहां के कलेक्टर का बिल्कुल 104 फीवर चल रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट का टर्म, वो भाग रहा है सर, मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, मुझे फंड चाहिए, जैसे भागते हैं सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अपना जो अधिकारी होते हैं जो कि ये डेवलपमेंट वर्क होना चाहिए। पाकिस्तान में ये सब स्ट्रेस तोड़ना है सर इंडिया वाला। पाकिस्तान में तो जियादी की बीवी को बनाया आपने, यानी खत्म, यू बिकम फेमस, शॉर्टकट है वहां पे हर चीज का। एक स्टडी देखी थी मैंने अभी कुछ दिन पहले, और वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान के पास 2-3 यूनिक अचीवमेंट्स हैं, और एक यूनिक अचीवमेंट तो हम उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान एक अकेली शख्सियत है जिसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंडस्ट्री से ज़्यादा है, वो तो खैर इकोनॉमी की बात हुई। दूसरी जो बात एक स्टडी मैंने देखी थी वो ये कह रही थी कि साहब कि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है वो अकेला ऐसा लार्ज कंट्री है, क्योंकि 250 मिलियन पॉपुलेशन है उसकी, तो अकेला ऐसा लार्ज कंट्री है जहां मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है।
और अपर क्लास और जो लोअर क्लास है वो बढ़ रहा है। नहीं बिल्कुल सर, देखिए ना बाकी कंट्रीज में मिडिल क्लास एक्सपेंड होती है एंड दैट इज द बैरोमीटर ऑफ योर सक्सेस बिकॉज परचेजिंग पावर आपका बढ़ता है और बहुत लोग पॉवर्टी से फिर मिडिल क्लास में आते हैं। पाकिस्तान बस बेसिकली आपका ये कहने का मतलब ये मतलब है कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है एंड दिस डिस्पैरिटी सेटिंग इन वेयर द पुअर ऑल्सो बिकम अ लार्जर पीस आर अ लार्जर पीस ऑफ द पाई एंड द रिच आर ऑल्सो लार्जर पीस ऑफ द पाई। सर जनसंख्या ही तो बढ़ रही है दोनों की, यानी कि गरीब और गरीब हो रहा है और गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है, ज्यादा मात्रा में गरीब हो रहा है और अमीर ज्यादा मात्रा में और अमीर हो रहा है क्योंकि करप्शन चल रहा है। तो सर दिस इज पाकिस्तान में नहीं होगा तो कहां पे होगा सर, वेयर विल इट हैपन। और जो सबसे अधिक यहां पर कंट्रीब्यूशन हुआ करता था पहले पुराने जमाने में जब इनकी जो क्राइसिस सेटअप हुई है वो तभी से हुई है कि जो प्रोडक्टिव क्लासेस थे वो माइनॉरिटीज में बहुत ज्यादा थे। आज भी बताते हैं कि कोई 17% जीडीपी जो है वो हिंदूज कंट्रीब्यूट करते हैं इनके इकोनॉमी का, जबकि पॉपुलेशन में वो ऑलमोस्ट 1% और लेस हैं या 1% से थोड़ा 1% के आसपास मान। एग्जैक्टली, सो पाकिस्तान में हुआ ये कि इनकी जो वर्किंग कम्युनिटी थी, जो हिंदू पॉपुलेशन है, देखिए हमेशा इकोनॉमी में वही कंट्रीब्यूट करती है क्योंकि उसको जिहाद विहाद का लफड़ा नहीं है उसकी लाइफ में, सीधा उसको पता है उसे काम करना है, अपने अपना घर चलाना है और अपना समाज, अपने समाज को कंट्रीब्यूशन देना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। तो देखिए जिस देश में एक बड़े पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से का माइंडसेट ऐसा है कि हमको जिहाद फी सबील अल्लाह ये करना है, ठीक है, उसका और क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे, उस समाज से। लेकिन ये तो उनके पीछे ही पड़े हैं कि साहब तुम लोग प्रोडक्टिव कैसे हो, तुम जो है वो दुनिया में प्रोग्रेस कैसे ला रहे हो, तुमको तो यहाँ से चला जाना चाहिए, चर्च जला दो, मंदिर तोड़ दो, जिहाद बर्पा कर दो, और किसी के ऊपर तो कर नहीं सकते, भारत पे तो अब आ नहीं सकते, तो जो वहाँ बचे हुए हैं उनके ऊपर ही कर लो। सर जो 97% है ना उनको 3% से डर लग रहा है, ये पहली बार मैंने कहीं देखा है सर कि 97% are scared of 3%। और मौलवी जाता है मस्जिद की मेंबर से यही बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, तुम 100 में से तुम 97 हो, बाकी 3 हैं, वो भी 3 जुड़े नहीं अलग अलग हैं, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई फलाना है, कोई ढिमका है, वो उनसे तुम्हारी जान को खतरा है, जानो माल को खतरा, सबसे बड़ी बात इस्लाम को खतरा है, तो पहले उनको निपटाओ सबसे पहले। अच्छा अफगानिस्तान में देखिए सर क्या हुआ, वहां पे तो 100% मुस्लिम है, बाकी सबको मार डाल दिया, सबको खत्म कर दिया, ठीक है सर, वहां पे भी कलेश हो रहा है। सो देयर इज गोइंग टू बी नो पीस, इसका ये कन्वर्ट कर दें बाकियों को या जान से मार दें या कुछ भी कर दें, ठीक है सर, जब आपका नेचर पीसफुल नहीं है ना सर, यू विल फाइंड अ मींस टू गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। आपके अगर मन में काला है, आपके मन में बुराई है, तो आप हर जगह फसाद ढूंढेंगे बिकॉज दैट इज हार्डवायर्ड इनटू योर सिस्टम। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप देखिए सर वो लोग कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि 5 लोगों का कहना है कि साहब 8 गिरजाघर जला दिए इन लोगों ने, सोशल मीडिया कह रहा है 8, मेन स्ट्रीम मीडिया 5 कह रहा है सर। कई 100 ईसाई अपने घर से भाग गए, दे हैव जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर। अच्छा आप देखिए शहबाज शरीफ जो ट्वीट करते हैं किसके बारे में ट्वीट करते हैं, डेसेक्रेशन ऑफ द कुरान, डेसेक्रेशन ऑफ द कुरान के बारे में शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं। ईसाई जो है पाकिस्तान के कल मरते हैं आज मरे, सर इनको क्या फर्क पड़ता है, एक कुरान किसी ने, और हम कह रहे हैं गलत हुआ अगर कुरान जलाई या कुरान की बेगुरमती हुई, बहुत गलत हुआ, लेकिन बराबर तोलना चाहिए ना सर। पाकिस्तानी कितने फोकस्ड हैं कि देखिए स्वीडन में कुरान जल गई, हाय तौबा हो गई, हाय तौबा हो गई, स्वीडन में एक कुरान जल गई, यहां पे आपने 8 गिरजाघर फूंक दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दूसरे का मजहब जो है वो मजहब है ही नहीं, सिर्फ हमारा मजहब मजहब है, बाकी सब जानवर है। दिस इज द थ्योरी दैट इज प्रैक्टिस इन पाकिस्तान सर। जिन्ना ने देखे ना वही हिंदी में क्या कहावत है सर कि जब वो कहते हैं कि बीज जब बबूल का लगाया है तो आम समथिंग ना, आम कहां से हुई वो होता है ना, बोए बीज बबूल का तो आम कहां से खाए, हां तो वही है, बोए बीज बबूल का बीज उन्होंने बोया है, तो वे शुड दे गेट पीस सर, ऐसे आतंकी तो निकलेंगे वहां से, नथिंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। अफगानिस्तान के साथ क्या इस तो
डॉक्यूमेंट्री भी चल रही थी कि इनके कोई 1250 फौजी जो है वो बलोचों ने और अफगानियों ने टीटीपी ने इन्होंने मिल के हलाक कर दिए। तो अब आपको जो पाकिस्तान की आर्मी है वो कितनी केपेबल दिखती है कि वो ये टू फ्रंट संभाल सके? सर ये वन फ्रंट नहीं संभाल सकते। ये मैं आपको बताता हूँ ना इनका क्या है कि ये सब लोग गले पे बैठे हैं, ये कैश बॉक्स पे बैठने वाली फौज है, ये लड़ने वाली फौज नहीं है। इसने क्या हुआ कि यही लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े शादियाने बजाए ना कि हमारे भाई, हमारे मुसलमान भाई अफगानिस्तान में 15 अगस्त को काबिज हो गए हैं, अब यहाँ पे निजाम मुस्तफा चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। उन्होंने दो हफ्ते के बाद इनको कूटना शुरू कर दिया। अच्छा पहले खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे। यू रिमेंबर दैट पीटीआई स्पोक्स पर्सन, दैट लेडी वॉज देयर जो कह रही थी टीवी पे कि ये तो हमें कश्मीर दिलवाएंगे अफगान। सर मुझे आई डोंट वांट टू यूज दिस लैंग्वेज ऑन योर शो, लेकिन सुअर की तरह मारा है सर इनको, सुअर की तरह मारा है अफगानों ने, अपने बंदे भेज के, टीटीपी भेज के। इतना ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाह रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, उल्टा उनको मिल गई पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। इनको मार मार के दुम्बा बना दिया सर इनका, इतना बुरा मारा। आई डोंट नो द फिगर्स, 1200 मुझे पता नहीं एग्जैक्ट फिगर्स, आई एम नॉट अवेयर सर, बट जितने भी मारे हैं 3-4 फिगर्स में मरे हैं इनके, अब कितने मरे मुझे नहीं पता। लेकिन यही ये चीज दिखाती है ना कि पाकिस्तान कितना गलत एस्टिमेट करता है हर चीज में, हर चीज में गलत है। अब अपनी सरकार बन गई, ये गई सर, ये आप कॉन्फिडेंस देखिए भाइयों का, एंड डोंट डोंट मिस आउट ऑन द कॉन्फिडेंस। ये गए थे काबुल सरकार बनाने, इन्होंने सरकार बनाई, इन्होंने बनाई भी ऐसी बात नहीं है, इन्होंने सिराजुद्दीन हकानी को फिट करा, बोला होम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है सर वो बन भी गया होम मिनिस्टर। वही सरकार दो हफ्ते बाद जिन्होंने सरकार बनाई थी उनको कूटना शुरू कर दिया सर। और सिराजुद्दीन हकानी का भी जो ऑन द फेस ऑफ इट पाकिस्तानी है, क्योंकि वो मदरसा जो अलकानिया वहां से पढ़ा हुआ है और उसको आईएसआई ने ट्रेन करा, आईएसआई का लॉयल है, पर उसी के फाइटर्स गए, उसी के फाइटर ने जेल खोली और उसी के फाइटर ने टीटीपी को निकाला जो कि इनको ठोक रहा है। अब आप विडंबना देख रहे हैं इसकी पूरी, कि पाकिस्तान जिसको रिश्तेदार समझ रहा था वही रिश्तेदार आके इनको डेली मारता है, डेली इनके सर कलम करता है सर। और जहां तक फौज की बात है कि कितनी केपेबल है इनकी आर्मी सर, इनकी आर्मी देखिए, इनकी आर्मी ने 1 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड मांगा है सरकार से सर, आपको पता ही होगी स्टोरी। 1 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड मांगा है, बोला है हम फार्मिंग करेंगे वहां पे। ये सर कुछ फार्मिंग नहीं करेंगे वहां पे, 150 जनरल्स के बड़े बड़े फार्म हाउस बनने हैं, इन्होंने कख फार्मिंग नहीं करनी, सब झूठ बोल रहे हैं ये लोग, और वो भी जमीन हड़प जाएंगे ये लोग पाकिस्तानी सर। और लड़ सर ये नहीं, ये तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ सकते, टीटीपी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, दे कांट फाइट सर, दे डोंट हैव। ये आसिम मुनीर अकेला आर्मी चीफ है, मैं बता रहा हूँ आपको, ही इज द ओनली आर्मी चीफ दैट आई हैव सीन जो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है। इसको पता नहीं क्या खोज लिया सर इस आदमी को। इसका काम है मुल्क की दिफा करना, इसका काम है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना पाकिस्तान को। ये उस काम में तो फेल हो गया, टीटीपी वाले जब आते हैं थप्पड़ मार के भाग जाते हैं, वो काम ये कर नहीं पा रहा भाई। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है अपना भाई सर, कोई ऐसा दिल नहीं है जब इसके मुंह के सामने माइक ना हो। अफगानिस्तान वाले एक थप्पड़ मारते कहता अगली बार अगर तुमने करा तो देख लेना, फिर थप्पड़ मारते कहता अब इस बार देख लेना, फिर थप्पड़ मारते कहता यार सुनो आखिरी बार बोल रहा हूं तुम्हें, फिर वो 2-3 थप्पड़ मारते हैं, मुंह से खून निकलता, कह रहा है अब बहुत हो गया, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये रोज यही काम करता है सर, एंड एवरी डे ही हैज द सेम स्क्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, सेम स्क्रिप्ट। कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाके बोलेगा, कभी पासिंग आउट परेड में बोलेगा, सेम स्क्रिप्ट कि अब हम अफगानिस्तान को सबक सिखा देंगे। और ये स्पीच देता है वो फिर जूते मारते हैं, ये फिर स्पीच देता है वो जूते मारते हैं। ये चीज पिछले एक महीने से चल रही है सर, मैं रोज देख रहा हूँ, और रोज किसी ना किसी के सामने स्पीच दे देता है भाई वो, और रोज अटैक कर देते हैं वो लोग शाम को। और गज़वाए हिंद की बीमारी तो वैसे भी नहीं छूटती सर, वो तो कीड़ा है इनके, वो बीमारी नहीं है सर, वो कुछ मेंटल प्रॉब्लम है इनके साथ। इनको किसी ने स्टोरी सुना दी गज़वाए हिंद की, सब लोग अब पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं कि देखिए अब तो हमारे हाल बुरे हैं, अब दोस्ती कर लेते हैं। मैंने बहुत पहले बोला भी था सर स्मिता प्रकाश के उस पे ना सर, तो आई वॉज देयर अलॉन्ग विद मिस्टर तिलक दिवाशर, तो मैंने स्मिता प्रकाश जो ANI की है, मैंने स्मिता की शो पे यही बात बोली थी कि आज की तारीख में ये लोग चुप क्यों हैं सर, बिकॉज इंटेंट और केपेबिलिटी की बात होती है। दे डू नॉट हैव केपेबिलिटी, दे हैव द इंटेंट, द डे दे हैव द केपेबिलिटी दे विल अटैक अगेन सर। ये सांप है, ये इन पे भरोसा करना, ये सोच लेना कि अब ये शांति शांति शांतिप्रिय हो गए क्योंकि इनके पास वसाइल नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इस पैसा आएगा मांगे तांगे का आएगा, ये फिर अटैक करेंगे, फिर पुलवामा करेंगे सर ये लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी मौका अच्छा है, इंडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल खोल देनी चाहिए, उनको ठोक देना चाहिए सर अच्छी तरीके।
ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज इस समय जब ये अपने घुटनों पर हैं, भारत को इसी समय उन पर अटैक करना चाहिए, इसी समय स्ट्राइक करना चाहिए। और अटैक मतलब देश पर आप अटैक ना कीजिए, पर उनके जो आतंकी हैं, आतंकी ठिकाने हैं, जैसे बालाकोट में किया था वैसे ध्वस्त कीजिए उन ठिकानों को। और उधर एक्चुअली आप देखेंगे कुछ आतंकी इधर न्यूज में आ रहा है ना, मारे जा रहे हैं एक एक कर। जब ये पीसफुल हो तब इनको कूटा जाए। सर वी हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग वेट करते हैं कि पुलवामा होगा तब बालाकोट होगा, उड़ी होगा तब सर्जिकल स्ट्राइक होगी। अगर पहले आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए उड़ी होगी ही नहीं, अगर आप पहले बालाकोट कर दिए पुलवामा होगा ही नहीं। अभी जैसे चुपचाप पाकिस्तानी बैठे हैं, इंडिया को कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रही है। ये समय है वहां पे 100-200 गिराओ, ये समय है। और रेगुलरली गिराते रहो उनके। ये जो आतंकवादी गिर रहे हैं वहां पे लगातार, वो कौन गिरा रहा है जी? पता नहीं कौन गिरा रहा है सर। देखिए मैंने तो एक से पूछा था सर, एक बंदे ने, तो उसको यही बोला था कि हम गांधी और गौतम बुद्ध का देश है। तो मैंने बोला ठीक है सर, अगर आप ठीक ही कह रहे होंगे, अगर हम गांधी और गौतम बुद्ध का देश है तो बड़े हैं, सीनियर से रिटायर हो गए, एक बड़ी सेंसिटिव पोजिशन से रिटायर हुए। तो मैंने बोला सर ये कौन कर रहा है? तो उन्होंने बोला बेटा ये गांधी और गौतम बुद्ध का देश है, हम तो हाथ जोड़ते हैं, हम तो कभी कुछ ऐसा काम करते ही नहीं, हम तो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो मैंने बोला सर ठीक, नेचुरल कॉजेस से मर रहे होंगे। सर जिस दिन एक बंदा जिसको ब्लड कैंसर है वो हार्ट अटैक से मर रहा है सर, गलत गलत बीमारियों से मर रहे हैं लोग। अच्छा ठीक है सर, मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को ब्रेन कैंसर हो तो उसको कायदे से ब्रेन कैंसर से मरना चाहिए, कायदे से, ठीक है। वो बंदा किसी और चीज से मर रहा है, ये कह रहे हैं गांधी का देश है, ये कह रहे हैं कि पता नहीं गौतम बुद्ध का देश है, हम शांति प्रिय लोग हैं, हाथ जोड़ के रहते हैं हम सबके सामने। हमने बोला ठीक है सर, आपके हाथ जोड़ने से अगर ऐसा कमाल हो रहा है तो ठीक है। तो पता नहीं कौन कर रहा है सर, आई डोंट नो। पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि रा की साजिश, रा की साजिश, तो हर चीज में उनको रा की साजिश लगती है। लेकिन सर मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप देखिए ना, देखिए पाकिस्तान की जो एजेंसी है ना, ISI जो है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उसमें नाम इंटेलिजेंस लगता है, खुफिया एजेंसी है ना, नाम से लगता है, CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, राइट सर? सब लोग ऐसे यहाँ पे, हमारा वाला ऐसा लगता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसे कि लाइब्रेरी में बैठ के कुछ लोग रिसर्च कर रहे होंगे, कोई पेपर लिख रहे होंगे, है ना सर? शुगर केन प्लांटेशन एंड वेस्टर्न यूपी टाइप का ना कुछ पेपर बना रहे होंगे इसके ऊपर, PhD का। तो ठीक है सर, अपने अपने वाले रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं सर, मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा कोई गलत काम करते होंगे। एंड गॉड ब्लेस सर, भगवान सबको लंबी उम्र दे, क्या कह सकते। इस समय जो चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये इवन नहीं है, इसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, आपकी क्या एनालिसिस है? सर मैं एक मेरा ये मानना है सर, एक और हो सकता है मेरी थिंकिंग इसमें गलत हो, बट मेरा एनालिसिस ये है कि देयर रिलेशनशिप इज पासिंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम सर, बड़े स्ट्रेन्स हैं उसकी रिलेशनशिप में। और मुझे लगता है कि ये जो हाल ही में जो अटैक हुआ था सर, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि चाइनीज इंजीनियर नहीं मारे गए, और BLA वाले कह रहे हैं कि हमने तो ठोक दिए, दो चार चाइनीज इंजीनियर मार दिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है कि कुछ चाइनीज मरे हैं, क्योंकि इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड है सर। इनका जो रिलेशनशिप है इट इज हाईली स्ट्रेन्ड बिटवीन द चाइनीज एंड द पाकिस्तानीज, बिकॉज पाकिस्तानीज इज यूजुअल आर नॉट एबल टू डिलीवर सर, ये ना डिलीवर नहीं कर पा रहे पाकिस्तानीज। और पाकिस्तानियों का ये मामला है कि चाहे वो जितना भी चाहें, ये पीस एंड क्वाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये अपने मुल्क में कॉन्सेंसस नहीं बनवा पा रहे, और जो चाइना को चाहिए था वो नहीं दे पा रहे। और चाइनीज को यही डर लग रहा है कि अगर कहीं, इसीलिए तो उनकी आर्मी के ऊपर इतना प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है उनकी आर्मी के ऊपर कि इमरान खान वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि इमरान जब आया पिछली बार तो उसने CPAC रोक दिया था, इस बार भी रोक देगा सर अगर वो आएगा तो। सबसे पहला काम उसने ये करना है कि CPAC रोको, ये ड्रामा खत्म करो। तो ये चीज है सर, लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई थिंक देयर रिलेशनशिप इज पासिंग थ्रू अ ग्रेट डील ऑफ, कभी इतना बुरा नहीं हुआ था सर जितना अब हो रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। चाइना के क्या एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान से? सर चाइना की सिंपल सी एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान कालीन बन के जमीन पर बिक जाए, इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्टेशन है चाइना की? कि वो जोर से जी अब्बू कह के आगे पीछे भागता था, और तो चाइना इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। तो जमीन, सबसे पहले जमीन पाकिस्तान की उसको चाहिए, उसको ये चाहिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए उसको पाकिस्तान से, उसको पॉलिसीज चाहिए जो चाइना के लिए बेनिफिशियल हो और जो पाकिस्तान के लिए जाहिर सी बात है हार्मफुल होंगी, उसको एक गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन चाहिए, उसको अफगानिस्तान चाहिए सर।
जिसमें ये जाके उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे अफगानिस्तान में, क्योंकि उसको अफगानिस्तान के थ्रू और वाया मीडिया ईरान भी पहुंचना है। दे डोंट वांट टू डिपेंड ओनली ऑन द पाकिस्तानीज बिकॉज दे नो कि पाकिस्तानी दोगले हैं सर, ये पैसा लेके भागने वाले हैं, है ना। एक तो होता है कि आपने पैसा दिया और काम हो गया, दूसरी चीज आपने जिसको पैसा दिया काम करने के लिए पैसा लेके भाग गया, तो नेगेटिव करप्शन टाइप का। तो पाकिस्तानी उस टाइप के हैं सर, पैसा लेके भागने वाले लोग हैं। सो दे वॉन्ट अ रूट थ्रू। अब ईरान के साथ सर उन्होंने 400 अरब डॉलर के एमओयू साइन करे थे, तेल छेल लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, उसको 1.5-2 साल हो गए सर साइन करे हुए, उसका कुछ बन नहीं रहा, उसका कुछ बन नहीं रहा सर उसका। वो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट बड़ी टेंटेटिव है उसकी, जिस स्पीड से चाइना मूव करता है उस स्पीड से मूव नहीं कर पा रहा, बिकॉज पाकिस्तान इज अनएबल टू डिलीवर। और जो ये लोग चाहते हैं, इनको चाइनीज आर एफिशिएंट सर, चोर हैं लेकिन एफिशिएंट चोर हैं सर, ये आपको यू विल हैव टू ग्रांट देम कि एफिशिएंट चोर हैं ये, डाका करते हैं सफाई से करते हैं और बड़ा महीन काम करते हैं चाइनीज सर चोरी में ना, लेकिन अब ये कर नहीं पा रहे बिकॉज पाकिस्तानीज जो इनके पार्टनर्स हैं इन दिस क्राइम, पाकिस्तानीज आर अनएबल टू डिलीवर सर। बलोच काबू नहीं आ रहे इनके, पठान काबू नहीं आ रहे इनके, तहरीक तालिबान पाकिस्तान काबू नहीं आ रही इनके, अफगान तालिबान, अलकायदा काबू नहीं आ रहा सर, इस्लामिक स्टेट ने धमाके कर दिए वो काबू नहीं आ रहा। तो ये अब बिजनेस तो वहीं पे होगा जहां पे माहौल सेटल्ड होगा सर, जहां पे कुछ कंटिन्यूटी इन पॉलिसी होगी, जहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी होगी, लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। पाकिस्तान में तो ये कुछ भी नहीं है। तो अब चाइनीज आर ऑल्सो सफरिंग अलॉन्ग विद द पाकिस्तानीज, ये रिलेशनशिप है सर इनकी छोटी मोटी। वैसे जहां तक ईरान से चाइना के रिलेशनशिप की बात है, तो उनके लिए जो ज्यादा आसान रूट है वो उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान होके है, और उसे ऑलरेडी वो बंदर अब्बास के थ्रू उनका ट्रेड इत्यादि हो रहा है, और उनका जो है चाइना का जो गल्फ में या जिसको हम कहें इंडियन ओशन का जो उनका आउटलेट है वो बंदर अब्बास है। उनको आपके चाबहार की या ग्वादर की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं, यदि खाली कोई ट्रेड के आउटलुक से देखा जाए। ग्वादर को तो वो केवल मिलिट्री बेस के रूप में यूज करेंगे। करेक्ट। तो सर मेरा ये कहना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अग्री विद योर एनालिसिस सर। मैं मेरा ये कहना थोड़ा सा अलग है, एंड देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, बट मेरा ये कहना है कि सर दे वॉन्ट देयर फुटप्रिंट इन अफगानिस्तान सर, इनको अफगानिस्तान में अपना फुटप्रिंट चाहिए, क्योंकि अमेरिकन तो भाग गए सर, जो बाइडन तो भाग लिया ओवरनाइट, दोहा अकॉर्ड उसने साइन करे, थैंक यू बोला, जयंत बोला, सबसे हाथ में ले और गए। अब इशू ये है कि दे वॉन्ट देयर फुटप्रिंट, एंड दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ पुटिंग बूट्स ऑन ग्राउंड सर, जनरली चाइनीज। चाइनीज ने पिछली बार आई थिंक इफेक्टिव बूट्स ऑफ ग्राउंड डालने की कोशिश करी थी वियतनाम में, उसके बाद उस तरीके से उन्होंने बूट्स ऑन, ये पिटे भी हैं रशियंस से, रशियंस ने भी इनको बहुत कूटा है, लेकिन सर ये बूट्स ऑन ग्राउंड डालने में पिछले एक डेकेड से 15 सालों से ये हल्के से टेंटेटिव दिखाई दिए हैं, क्योंकि जहां पे डाले हैं दे बर्न देयर फिंगर्स, दे डोंट वांट टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, दे वांट बूट्स ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान सर, क्योंकि इनको पता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों गोरा वापस अफगानिस्तान में आएगा, और गोरे के पास दो रास्ते होंगे सर, एक रास्ता होगा चाबहार का और एक रास्ता होगा ग्वादर का, ठीक है सर। अब चाबहार अनलाइकली है क्योंकि ईरान के रिश्ते वैसे ही उनके साथ खराब हैं, लेकिन इंडिया बैक एंड डिप्लोमेसी कुछ कर रहा है विद सर्टेन प्रोमिनेंट शिया मुस्लिम्स इवन इन इंडिया, इट इज ट्राइंग टू रीच आउट टू ईरान एंड अदर थिंग्स, अदर पीपल, ईरानियंस यहाँ पे आते हैं, ये ईरानियन जाते हैं, और इंडिया पूरी जान लगा रहा है कि कुछ ना कुछ ईरान को मेन स्ट्रीम करा जाए किसी तरीके से। लेकिन सर चाइनीज को पाकिस्तानियों से भी इसमें डर है, क्योंकि उनको ये पता है कि आप जितना भी पैसा लगाओगे, कल अगर अमेरिकन आते हैं और अमेरिकन इनको बोलते हैं कि यंग मैन हियर इज $500 मिलियन, ये पाकिस्तानी लिट जाएंगे सर उनके सामने, क्योंकि इनके बच्चे अमेरिका में सर, इनकी जायदाद अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, कनाडा, इनका सारा मामला वेस्ट में है। चाइना के साथ इनके बच्चे कभी चाइना में जाके सेटल नहीं होते सर, किसी बच्चे का अपार्टमेंट है ना शंघाई में नहीं है, सब कोई वॉशिंगटन डीसी, कोई न्यूयॉर्क, कोई टोरंटो, कोई फलाना, कोई ढिमका, ऐसी जगह में, लंडन फंडन में। सो इनका नेचुरल इंक्लिनेशन वेस्ट की ओर है, इनका नेशनल इंक्लिनेशन, नेचुरल इंक्लिनेशन चाइना की ओर नहीं है। तो अगली बार अगर अंग्रेज आता है या अमेरिकन आता है अफगानिस्तान, पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी स्टेट वहां पर पलकें बिछाए इनका वेट कर रहे होंगे कि सर आपका कराची पोर्ट में स्वागत है, आपका ग्वादर में स्वागत है, आपका जहां मनचाहे वहां पर स्वागत है, आइए आप बस पैसा देते रहिए। इनको पता है सर कि इनके जो एवन फील्ड का अगला जो फ्लैट खरीदा जाएगा उसी पैसे तो खरीदा जाएगा सर, ये खुद इनके पास थोड़ा है पैसे, ये वही करेंगे, दे विल वेट फॉर द अमेरिकन सर, फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी में बूम आएगा सर। तो बात तो बराबर है, इनके पास आएंगे पैसे, आते रहेंगे, क्योंकि जब
वेस्ट ने इतना बड़ा जिन यहाँ पैदा किया है तो उसे पालना भी तो पड़ेगा। और ठीक ही है, पाकिस्तानियों को भी आदत ही लगी है फ्री में खाने की, इनसे काम तो कुछ होता नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो कौम, जो कम्युनिटी इस तरह से जॉम्बी बन जाए, उसका उसकी जीवन का एक ही मोटो है, जिहाद फी सबील अल्लाह। ऐसे ऐसा समाज कर क्या पाएगा? भीख मांगेगा, बम फोड़ेगा, बस इतने में ही खुश है वो। अच्छा, एक और बात जो आजकल बहुत जोरों शोरों से चल रही है कि हमें पीओके वापस लेना चाहिए। ठीक है, पीओके तो लेना चाहिए, पर उसके साथ जो एक कंसर्न है ना, वो ये कि वहाँ की पॉपुलेशन का क्या? जब आप पीओके लेंगे तो उधर की पॉपुलेशन भी तो आएगी। अब वो किस तरह के हैं, किस सोच के हैं, कैसी विचारधारा के साथ आते हैं? बलोचों का तो खैर काफी हद तक क्लियर है, वो क्या सोचते हैं, वो अपने आप को इनसे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, वो अपने आप को हिंदुओं से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। पर फिर बात वही है ना कि बड़ी किताब, जिसके जीवन में बड़ी किताब घुल गई है, जिसने आसमानी किताब को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बना लिया हो, उसका फिर क्या किया जा सकता है? पीओके लेना चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, पर शायद सरकार भी वही कर रही होगी कि उसके पहले, पीओके लेने के पहले हमें स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि हम यहाँ अगर कुछ गलत होता है, यहाँ की जो जनसंख्या आएगी वो किस प्रकार की है, किस तरह की सोच रखती है, को हम पहले जांच पर रख लें। वहाँ अगर कुछ आतंकी पल रहे हैं तो पहले उन्हें ख़त्म करें, उसके बाद जो जमीन का टुकड़ा है पीओके, वो तो बाद में लिया जाए। पीओके हमारा है, भारत का हिस्सा है, भारत में आना चाहिए, नो डाउट, लेकिन वी जस्ट नीड टू बी केयरफुल कि उसके माध्यम से कहीं हम आतंकियों को तो नहीं भर रहे हैं अपने देश में। लगता है कि अगर इस काम में देर हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात का तो जरूर विचार कर रही होगी, इस बिंदु पर गौर करने के बाद ही वे आगे कुछ करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम।